अपनी टीम किसान को बचाने के लिए कालू पहलवान अपने तैयारी में रहे। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही समय गदे की घमासान की कुश्ती है। चलिए गोलू पहलवान बनारस, आप गदा के विजेता बनना चाहते हैं तो अपनी जिदारी करें, तेजी लड़े, कुछ दिखाए, पहले कुछ दिखाए। बहुत अच्छी कुश्ती भैया, शांति का दान दे। ऐसा दंगल कभी कभी देखने को मिलता है, घमासान का युद्ध है, आप शांति का दान दे। हाँ ठीक, बहुत अच्छी फैसला करें दोनों पहलवान, सभी गदे पे लड़ने को मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कुश्ती, आप मंगने गए पुष्कर पहलवान रतन तारा जो फतेहपुर की शान आन बान शान है। कद जैसे पहाड़ सीना हिमालय पर्वत की तरह, एक कुंतल 12 किलो का वजन रखने वाला मशीन लाइए कि पुष्कर सिंह का वजन तौल लीजिए। एक कुंतल 12 किलो का है, कम से कम 5 किलो दूध और आधा किलो घी की रोज की डाइट है और 200 बादाम की बीजी। मैं देखता हूँ तब इतना बड़ा शरीर बना है। आप लोगों के जैसे नहीं कि शाम के 80 रुपये के मंगा गए, 3-5 रुपये के नमकीन चटक गया, बस पहलवान बन गए। वो पहलवान नहीं है, ये देसी घी वाले पहलवान है। बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छे, क्या बात है जिदारी से गोलू पहलवान बनारस, बहुत अच्छे, क्या बात है। इस समय गहरी टांग हंसी है लेकिन स्वच्छ नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। दाव लग जाए तो आए हुए दर्शक को कोई गम नहीं है। दोनों पहलवान बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा लंबाई में फर्क, कांटा कुश्ती है। दोनों पहलवानों के शरीर में पसीने पसीने हैं, बहुत अच्छे। कुश्ती में जब फैसला करोगे तो विक्की पहलवान का खुला ऐलान है कि आज के दंगल में गदे में जिस पहलवान की माँ ने दूध पिलाया है मुझसे कुश्ती लड़ सकता है। ऐसे ही वीर की हमें ऐसे दंगल में जरूरत थी और आप आए बाहर आए। अगर जी जी बहुत अच्छा, बीच में विक्की पहलवान का कहना है कि मुझे भी मेरे इलाके में एक विक्की तोप के नाम पर लोग जानते हैं। वाह रे वीर, मिट्टी लगा लीजिए जिसका जहाँ बनता हो। और बहुत अच्छे पट लगे थे पुष्कर सिंह, लेकिन कुछ नहीं। इस समय गोलू पहलवान बनारस अपनी पूरी जवानी पर, और इधर पुष्कर पहलवान हो गई यार, मैं तो पानी पे मोड़ गया, काउंट डाउन मार दिया यार। अरे पुष्कर।